बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला, जो मैं अक्सर अपने खानों में शामिल करती हूँ। तो उसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 पाव ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 पाव। इसके साथ हम डालेंगे इसमें लौंग ले ली है मैंने, 4 बड़े जो चम्मच होते हैं खाने वाले, ये इस तरह के, ये वाले मैंने 4 चम्मच लौंग के ले ली हैं। दालचीनी ले ली है, इसके साथ हमने लिए हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और साथ में हमने ये बड़ी इलायची ले। ये सब चीज़ें हमने एक साथ इसको गरम ज़ीरे के अंदर मिक्स कर देनी है। ये देख लें, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कितनी तादाद में है। ये हमने लौंग, दालचीनी, इसकी बड़ी स्टिक्स हैं, ये भी तकरीबन 4 चम्मच ही होंगी, और इसके साथ ब्लैक पेपर, मोटी इलायची। ये सब चीज़ें डालकर हम इसको अच्छी तरह से गरम मसाले को, इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। बिल्कुल हमने इसको बारीक फॉर्म में करना है, बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से ये पीस जाए। ये देखें, ये ऐसे इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पीस लेंगे बारीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमने गरम मसाला पीस लिए। ये कितनी बारीकी से पीसने हुए हैं, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। ये मैं हर खानों में इस्तेमाल करती हूँ और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, और ये खानों का जायका दुबाला कर देता है। गरम मसाला इसको डालने से बहुत अच्छा सालन में टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।